प्रदेश की दो विभूतियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनमें चंबा की हस्तशिल्पी ललिता वकील और सिरमौर जिले में वडू साहिब के स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह शामिल है। राष्ट्रपति भवन में कल देर शाम हुए एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। बाबा इकबाल सिंह को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मरणोपरांत पद्मश्री मिला है और उनकी ओर से कलगीधार बडू साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने ये पुरस्कार हासिल किया। चंबा कढ़ाई के जरिए चंबा रुमाल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाली हस्तशिल्पी ललिता वकील को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। वे पिछले करीब 50 वर्षों से चंबा कढ़ाई की कला से जुड़ी हुई हैं। ललिता वकील जहां चंबा रुमाल को नई पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं इस कला की बारीकियों से युवा पीढ़ी को अवगत करवाने के लिए अब तक कई युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हैं। पुरस्कार मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि चंबा रुमाल की कला को आगे ले जाने के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। आज मुझे राष्ट्रपति जी ने जो ये पद्मश्री का अवार्ड मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ उनकी सबकी, उन सबकी जिन्होंने मुझे इस मतलब प्रोत्साहन किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए योगदान दिया मुझे इस चीज के लिए, तो उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुरू से ही इसको मैंने रिवाइव किया, इसको मैंने हाईलाइट किया, इसमें मैंने पुराना जो टच था वो तो मैंने रखा ही रखा, पर इसमें मैंने नई तकनीक भी काफ़ी इस्तेमाल करी हुई है, जैसे पैनल सेट थे, पेंटिंग थी, दूसरी चीज़ों के ऊपर शॉल स्टॉल काफ़ी मैंने, साड़ी के ऊपर चल रहा है आजकल, तो इसको काफ़ी मैंने इसको काफ़ी आगे तक ले आई हूँ इसको। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया है, जो नई लड़कियाँ सीख रही हैं कर रही हैं, मैं चाहती हूँ वो लड़कियाँ भी इस मतलब परंपरा को आगे लेके जाएं।